हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वीडियो वाला इसी में। मैं अमित कुमार सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, आज की बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। दोस्तों, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे वो मनोकामना हमारी पूरी होने वाली है। देखो, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो है युवा जो है रोस्टर का इंतज़ार कर रहे थे आदिम जाति कल्याण विभाग का। दोस्तों, अभी हाल ही में इससे संबंधित एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली है और इसका जो है काफ़ी सर्कुलेट हो चुका है, ये काफ़ी सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा चुका है। प्रमुख न्यूज़पेपर्स में, प्रमुख समाचार पत्रों में भी ये सुर्खियों में रही है कि अभी तक आदिम जाति कल्याण विभाग ने अपना रोस्टर जारी नहीं किया है। दोस्तों, आज मैं कॉल रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाने वाला हूं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है आदिम जाति विभाग के ऑफिस में, वहां पर जो अजय सर हैं उनसे। उसके पहले जो पेपर में न्यूज़ आई थी कि रोस्टर जारी नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आप लोगों को बता दूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्य हेडलाइन है, परीक्षा के एक साल बाद भी नियुक्ति के लिए नहीं हो पाया रोस्टर जारी। दोस्तों, ये भोपाल का है। इस पिछले साल इसमें कहा गया है कि पिछले साल राज्य सरकार द्वारा आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा एक साल बाद भी रोस्टर जारी नहीं हो पाया। मामला जो है आदिम जाति कल्याण विभाग का है। अब उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का इस देरी को लेकर धैर्य टूट चुका है। वहीं जो संयोजक हैं शिक्षक पात्रता संघ के रंजीत गौर, वो कहते हैं कि आदिम जाति कल्याण विभाग में 5704 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती होना है, जिसके लिए विभाग द्वारा अभी तक रोस्टर जारी नहीं किया गया। शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार आवेदन और ज्ञापन पत्र सौंपे जा चुके हैं, परंतु अभी तक रोस्टर जारी न होने से पात्र अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया और ट्विटर के माध्यम से शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को मांग पत्र लिखकर अतिशीघ्र रोस्टर जारी कराने की मांग की है। परीक्षा परिणाम भी जो है दोस्तों अक्टूबर 2019 में घोषित किए गए थे, परंतु अभी तक रोस्टर जारी नहीं हुआ है। DPI ने तो वेरिफिकेशन की प्रोसेस चालू भी कर दी थी, लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग ने केवल वर्ग एक के बारे में ही थोड़ी डिटेल दिखाई थी कि कैसा प्रोग्राम रखना है। उसके बाद में वर्ग दो के बारे में ना तो अभी कोई रोस्टर जारी किया गया और ना ही किसी प्रकार से कोई भी सर्कुलेशन हुआ, तो इसका काफ़ी विरोध हुआ और काफ़ी ये सुर्खियों में रहा सोशल मीडिया पर। तो दोस्तों, इसका प्रभाव ये पड़ा है कि जो आदिम जाति कल्याण विभाग की मंत्री जी हैं, उन्होंने लेटर भेजा है वहाँ पर रोस्टर बनाने के लिए, और बैकलॉग पदों की भी इसमें जो है एंट्री करने के बाद में रोस्टर लगभग तैयार हो चुका है। तो आइए दोस्तों, मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनवा देता हूँ, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट कॉल रिकॉर्डिंग है, तो आप सुन सकते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, ये वर्ग दो के रोस्टर संबंधित कुछ ये जल्दी आएगा प्रक्रिया में अभी है। हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्ते, हाँ अजय सर बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ सर, ये कि क्वेश्चन पूछना था सर, मुझे एक मेरे अंदर शंका थी मन में, वो पूछना था सर। हम ये शिक्षक भर्ती का इंतजार करें कि ना करें, हम हताश हो चुके हैं सर सभी लोग। बिल्कुल इंतजार करो सर, बहुत ज्यादा आपसे ही सही आंसर मिलता है हम लोगों को, इसलिए हम आपको कॉल लगा। इंतजार करो और बिल्कुल होगी, थोड़ा सा समय आगे पीछे लग सकता है, पर 100% होगी। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, सुना आपने रोस्टर से संबंधित कि न्यूज़पेपर में काफ़ी सर्कुलेट और काफ़ी कुछ आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण अब ये गवर्नमेंट पर प्रेशर बना है कि वह जल्दी से इसका रोस्टर जारी करे। तो दोस्तों, चिंता की बात नहीं है, आप इंतज़ार करें, निश्चित रूप से रोस्टर आएगा और सभी लोगों को अच्छी मेरिट में जिनका अच्छा स्थान है उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों लेटेस्ट अपडेट के साथ में। जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।